हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का चाची भतीजी पाकशाला में। तो आज हम बनाएंगे प्याज की कढ़ी, और ये कढ़ी एकदम बढ़िया बन के तैयार हुआ है। वैसे तो अभी मार्केट में एकदम छोटे छोटे साइज का प्याज मिल रहा है, तो उसी प्याज से मैंने ये कढ़ी बनाया है। और वैसे तो इसे मसालेदार बनाया जाता है, इस अगर साबुत प्याज का सब्जी बनाते हैं तो, बट मैंने इसे कढ़ी बनाया है बिना कट किए हुए, और ये बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। तो चलिए फटाफट से आज की रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 8 से 10 प्याज ले लिए हैं, और अब हम इसे एकदम बढ़िया सा छील लेंगे, और इसका जो वाइट वाला पार्ट होता है ना, हम इस तरीके से इसे नाइफ से अलग कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने प्याज को एकदम अच्छे से छील लिया, और इस तरीके से हम इसमें कट्स लगाएंगे, जिससे कि इसमें जो रस है वो बहुत अच्छे से सब्जी के अंदर, प्याज के अंदर जो चला जाए। तो यहाँ पे मैंने एकदम अच्छे से इसमें जो है कट्स लगा लिया है। वैसे तो आप इसे चाहे तो कट करके भी इसे बना सकते हैं, इसे स्लाइसेस में कट कर सकते हैं पतला पतला, या फिर छोटा छोटा भी कट करके इसे बना सकते हैं, बट मैं इसे साबुत ही बना रही हूँ इस प्याज को, एकदम छोटा छोटा साइज का, तो मस्त ग्रेवी भी अच्छे से अंदर चला गया इसके। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई पे 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, और अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें कलर आ गया है। तो अब हम इसे 2 मिनट के लिए और ढक के पकने देंगे, जिससे प्याज जो अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, और तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बटर मिल्क ले लिया है, तो यहाँ पे मैंने 1 ग्लास बटर मिल्क लिया, और इसमें मैंने 1/2 ग्लास पानी डाला। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून बेसन, और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ले लिया नमक, और 2/3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ले लिया। और हम इसे एकदम बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे, जिससे बेसन डालने से हमारा जो ग्रेवी है वो थिक बनेगा, और ये तो अच्छा बटर मिल्क है जिससे कि ये फटेगा नहीं। अगर दही से बनाते तो उससे पहले ही आप अच्छे से मिक्स कर लें, जिससे कि दही जो है वो नहीं फटे। और अब यहाँ पे हमारा जो बटर मिल्क है वो एकदम बढ़िया से तैयार है। अब यहाँ पे 2 से 3 मिनट भी हो चुके हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे बटर मिल्क को, और अब हम इसे एकदम बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे, और इसमें अच्छे से बॉईल आने देंगे, और इसे 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे। और जैसे जैसे पकते जाएगा ये थोड़ा सा थिक होते जाएगा। और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे, तो यहाँ पे मैंने तड़का पैन पे 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, और अब हम इसमें डाल देंगे सरसों 1/2 टेबल स्पून, और आप चाहे तो वैसे जीरा भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 4 लाल मिर्च, और इसमें करी लीव्स डाल देंगे, और इसमें गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया, इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और अब हम इसमें एकदम बढ़िया सा तड़का लगाएंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। तो आज की हमारी ये रेसिपी प्याज की कढ़ी तो बनके तैयार है, तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, और आपकी रेसिपी कैसे बनी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।